हेलो टेस्ट एंड टेल्स आर इंटरनेशनल लाइफ से। जी तो आज मैं लेकर आई थी एक न्यू रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बर्गर, तो मैंने सोचा चलें जी अपने फ्रेंड्स के साथ रेसिपी को शेयर करते हैं। तो आप लोग बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। ये मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है, चिकन बर्गर में बना रही हूँ। मसला ये, मेरे पास बोनलेस चिकन तो थी लेकिन कीमा भी रखा होता, तो मैंने सोचा कीमा ले लेती हूँ। लेकिन आप लोग चिकन भी ले सकते हैं और कीमा भी, जो आप लोगों का दिल चाहे। तो ये मैंने चॉपर में डाला है, इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून काली मिर्च डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, मैंने भर के नहीं लिए, ये 1/2 टेबल स्पून के करीब लिए लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। ये सब मैं चॉपर में इसलिए डाली हूँ, मेरे पास कीमा तो है पर ये मसाले हम एक बार अच्छे से इसको घुमा लेंगे तो ये मतलब चॉपर में मिक्स हो जाएंगे, हमें हाथ से इसको मिक्स करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 टेबल स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1/2 से भी कम मतलब 1/4 समझ लिया। मैंने इसमें प्याज ली है, 3 हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास ब्रेड के पीस हैं, ये 2 स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये चिकन बर्गर की रेसिपी, आपको मज़ा आएगा, आपको पसंद आएगी। अब हम इसको सब चीज़ों को इनको मिक्स कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारा जो कीमा है अच्छा सा मिक्स हो गया है, और मैं इसको चेक करती हूँ कैसा, ज़्यादा रनी तो नहीं है। तो ये देखिए सब मसाले और सब कुछ अच्छा सा हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 अंडा डालूँगी, उसके बाद हम फिर से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा कीमा बर्गर का रेडी है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए थोड़े देर के लिए छोड़ूंगी, ताकि हमारे जो सारे मसाले मिक्स हुए हैं ये अच्छे से इसमें और अच्छे से हो जाए टेस्ट, मतलब इसका मसालों का कीमे के अंदर। फिर हम हमारे बर्गर को जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। मैंने बर्गर का जो कीमा है हमारा हमने निकाल लिया है, अब मैं इसको थोड़ी देर रखती हूँ 10 से 15 मिनट, जब तक हम बर्गर के लिए फ्रेंच फ्राइज को कटिंग करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, फिर हम बर्गर को फ्राई करते हैं, बर्गर की जो पेटी है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू मैंने छील लिए हैं, अब मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। बहुत ना मज़ेदार से ये चिकन बर्गर बनते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक दें। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी न्यू वीडियोस मिलती रहे। ये हम फ्रेंच फ्राइज का कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम बर्गर की जो पेटी है उसको हम फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा लगता है ऐसे अपने घर वालों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करना, बनाना,
मतलब जब आपके बच्चे शौकीन हो, आपके हस्बैंड शौकीन हो, तो बहुत मज़ा आता है न्यू न्यू रेसिपी को ट्राई करने में, बनाने में। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, बच्चों को खिलाइए, फैमिली को खिलाइए, फ्रेंड्स को, तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है एक, और मज़ा आता है जब लोग खाएं और तारीफ करें ना, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि भाई मतलब हमारा खाना सबको पसंद आ रहा है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम करते रहें अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो एक अच्छी फाउंडेशन रहती है, एक अच्छा बॉन्ड रहता है। तो चलिए जी, यहाँ पे जो है हमारे फ्रेंच फ्राइज के आलू तकरीबन कट चुके हैं, अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आलू जो हैं कट चुके हैं, इसको बर्तन में डाल के उसके बाद मैं इसके अंदर अच्छा सा कॉर्न स्टार्च है मेरे पास, उसको मैं इसमें अच्छा सा मतलब कोट कर दूंगी फ्रेंच फ्राइज को, आलूओं को। तो इससे जो है हमारे फ्रेंच फ्राइज बहुत मज़ेदार से, बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। तो आप लोग ये टिप भी ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंच फ्राइज में, देखिएगा आप लोगों को मज़ा आएगा। अब इसको हम अच्छा सा मिला देंगे, इससे ना बहुत बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से बनेंगे आपके फ्रेंच फ्राइज। आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिए, ये तरीका फ्रेंच फ्राइज में, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा सा इसमें हमने मिला दिया, चलो यहाँ पे हमारे पास बर्गर हैं। इन बर्गर को हम लाइट, थोड़ा सा मैंने पैन में ऑयल लिया है, हल्का हल्का से मैं इन बर्गर्स को टोस्ट कर लूँगी ऑयल में अच्छा सा। थोड़ा ऑयल मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने ऑयल थोड़ा कम किया है। ये ऐसे हम इसको कट करेंगे, उसके बाद हम इसको हल्का हल्का सा ऑयल में टोस्ट कर लेंगे। फिर हम एक और बर्गर को कट करेंगे, देखिए आप ऐसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे जो बर्गर हैं बहुत अच्छे से टोस्ट हो गए हैं, इसको अपन उतार लेंगे ताकि ज़्यादा मतलब ब्राउन ना हो। हमारे जो बन हैं वो हमने कर लिए हैं टोस्ट, उसके बाद ये मैंने यहाँ पे बटर लिया है। अब हम जो हमारी चिकन बर्गर की पेटी है उसको हम फ्राई करेंगे। वो मैं टोटली मतलब बटर में फ्राई करती हूँ, तो बहुत मज़ेदार से मतलब बर्गर की जो हमारी पेटी है वो मैं टोटली मतलब ये बटर में फ्राई करती हूँ, तो उसमें बहुत मज़ेदार से एक तो उसका फ्लेवर आ जाता है बटर का, और बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी बनती है। तो आप लोग भी ऐसे ही मतलब कर सकते हैं। है मेरे पास, मैंने अपने दोनों हाथों पे जैसे पानी हम लगाएंगे, उसके बाद हम बर्गर की पेटी को बनाएंगे, क्योंकि आप लोग पानी भी लगा सकते हैं हाथ में, ऑयल भी लगा सकते हैं, ताकि जो हमारा ये कीमा है चिकन का जो हमने पेटी के लिए बनाया है वो हमारे हाथों पे चिपके नहीं, इसलिए हम पानी की मदद से बनाएंगे। चलिए ये हमारी एक पेटी आ गई है यहाँ पे। अब
देखिए हमारी मज़ेदार सी बर्गर की पेटी रेडी हो रही है, चिकन बर्गर। और ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी बहुत मज़ेदार सी शक्ल आ रही है। इसको हम, ये देखिए कितनी मज़ेदार सी इसकी शक्ल आई है। चिकन बर्गर फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग बर्गर की कितनी मज़ेदार सी शक्ल आ रही है। देखें हमारी बर्गर की जो पेटी है वो रेडी हो चुकी है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पे मैं बर्गर लूँगी, उसमें मैं इसमें मायोनीज लगाऊंगी अच्छा सा। यहाँ पे मैं इस पे सलाद पत्ता रखूँगी बर्गर में। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें बर्गर की एक पेटी रखेंगे, कुकम्बर रख दूँगी, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे चीज़ सॉस है, थोड़ा सा यहाँ इस पे मैं चीज़ सॉस डाल दूँगी। केचप डाल दूंगी और यहाँ पे मैं बस चीज़ का एक, मैं चीज़ का स्लाइस डाल दूंगी। और ये हमारा एक बर्गर जो है मज़ेदार सा चिकन बर्गर रेडी है। चलिए जी, मज़ेदार से हमारे चिकन बर्गर और फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी इसकी शक्ल आई है। बहुत मज़ेदार सा हमारा चिकन बर्गर रेडी है। चलिए जी, आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।